हेलो टू एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं तुरंत बाहर से आई, तुरंत आए और मुझे लगा कि जो जो हम छोटी छोटी चीज़ें लिए हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं कि हम कृष्ण जी के लिए हम क्या क्या जन्माष्टमी पे और कैसे सजाते हैं और क्या करते हैं आपको हम जरूर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मोरपंख तो कल भी एक आया था लेकिन उसका जगह कल अलग हो गया दरवाजे के सामने, वो वहाँ रख दिए। तो फिर हम लोग कृष्ण जी के पास रखने के लिए लेके आए और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दो दिन पहले भी थी लेके आए थे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए मुकुट कृष्ण जी का, ये उनका जो गमछा होता है ना। तो हमारे कृष्ण जी जो लड्डू गोपाल है ना, बहुत छोटे से हैं तो सब कुछ बहुत छोटा छोटा है। तो ये बांसुरी और ये बांसुरी तो आपको देखेंगे ना, बांसुरी येलो कलर का है तो क्यों लिए है येलो कलर का हम वो भी बताएंगे आपको। और कृष्ण जी के लिए ये एक माला लिए है, ये माला है। और आपको हम दिखाते हैं मुकुट तो दो है, तो हम लोग सोचे हैं कि एक कल सुबह और एक कल उनको जन्म होगा उसके बाद लगाएंगे। और एक ये देखिए, एक ब्लू रेड। और हमारे यहाँ ना हम लोग गए थे वहां जगन्नाथ पुरी, तो वहां से बलराम सुभद्रा और कृष्ण जी हैं। तो वो तीनों छोटे से हैं काफ़ी, हम लोग छोटा सा लिए क्योंकि हमारा मंदिर काफ़ी छोटा है तो हमें लगा छोटा सा ही लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाने पे ना मंदिर तो रखने के लिए बहुत पूजा करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने छोटा छोटा सा ही लिया। तो ये तीनों माला उन लोग तीनों के लिए लिया है, देखिए छोटा छोटा सा है। और ये कृष्ण जी के लिए एक और एक्स्ट्रा में भी लिए हैं, जो सुबह भी जब उनको कपड़े पहनाएंगे ना तब के लिए, और एक बार शाम में जब चेंज करेंगे ना तब के लिए अलग अलग है। और ये आपको दिखाया ना कि बांसुरी और ये, और शिवानी को बहुत इच्छा होती है ना उनको बाल लगाने की, तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए उनका बाल, शिवानी को बहुत इच्छा होती है बाल की। और ये एक छोटा सा और माला लिया शिवानी ही, हमको लगता है यही पहनाएगी। जितना करके दिखाओ, नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये सीधा है। हाँ, ये है। और उनके लिए ली है कान का, हमारे कृष्ण जी के कान में छेद भी है तो ये कान का। और ये उनके लिए दो चूड़ियां हैं, तो वो सुबह और शाम में कपड़े जब चेंज होंगे ना तो उनके लिए, देखिए दो अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपको हम बताए ना, अभी हम लोग जब गए थे जगन्नाथ पुरी तो हम लोग लेके आए थे, तो वो अभी हम लोग ऐसे ही रखे थे, लेकिन काफी टाइम से ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम उनके लिए आसन लाओ, लेकिन हम ला नहीं पा रहे थे। तो ये देखिए, ये आज हम लोगों ने लिया उनके लिए आसन, और ये उस पर ऐसे लगाएंगे। और ये फिर ये इस पे वो जगन्नाथ पुरी वाला जो है ना, वो हम लोग सुभद्रा बलराम और कृष्ण जी का हम लोग ऐसे, ये अभी अच्छे से लगा नहीं है, लगेगा तो फिर इसको लगा के इस पर रखेंगे। ये झूला पड़ता है, ये झूला है कृष्ण जी हमारे जो लड्डू गोपाल है ना वो झूले पे है, तो ये झूला के लिए लाए हैं। तो ये उसके, हाँ ये अलग से है। और आपको हम दिखाते हैं, ये एक कपड़ा लिए हम लोग, एक ये कपड़े हम लिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक ये है, ये कॉटन का है, और एक ये। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कल मॉर्निंग में जब वो नहलाएंगे कल सुबह, तो ये पहनाएंगे उनको, रात में उनके जन्म उत्सव के टाइम पे ये पहनाएंगे, और ये नवरात्र के टाइम पे या फिर दिवाली के टाइम पे ये पहनाएंगे। तो ये उनके कपड़े हैं, और भी कोशिश करते हैं अगर और भी पसंद आ जाएगा तो लेंगे। मुझे ये वाला कॉटन वाला बहुत पसंद आया तो ये अच्छा लगेगा। ये हुआ, और ये कुछ फूल कुछ माला जो हम लोग लेके आए हैं, तो कुछ सजाने के लिए। एक मिनट, गड़ जाएगा। ये रोज है, दो रोज ले लिए हैं, मेरे पास तो सिर्फ कृष्ण जी हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि आने वाले समय में राधे और कृष्ण दोनों रहे, तो देखते हैं जैसा होगा ये माला वैसा करेंगे। और ये माला है, तो इसको ये माला थी थी। हाँ, ये माला, हो गया सारा।
आपको मेरी छोटी मोटी तैयारी कृष्ण जी की कैसी लगी देखते हैं। वैसे हम लोग खाने पीने का मतलब मिठाई वगैरह जितना भोग हो सकता है हम लिए हैं, तो जो चीज़ें हैं वो जब हम पूजा करेंगे ना उस समय आपको दिखाएंगे। और आपको ये मेरा छोटा मोटा सा शॉपिंग कृष्ण जी का कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम तो यही बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो बस वही है भगवान जी को ही अर्पित हो जाता है, हमारा क्या रहता है। तो बस जितनी होता है ना जितना हम ले सकते हैं उतना हम लेते हैं, वैसे कम भी लो तो भी भगवान जी खुश हैं और ज़्यादा ले तब भी खर्च है, क्योंकि भगवान जी ये देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा से और कितने मन से कर रहे हैं। बहुत यस।